इस वक्त जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं उनके जहन में एक बहुत बड़ा सवाल ये होगा कि थर्ड वेव क्या आएगी, आनी ही है, कब आएगी? क्योंकि चर्चा तो ये हो रही थी कि अक्टूबर में आ जाएगी, अक्टूबर तो मैं स्टार्ट हो गया, थर्ड इसका वेव का अभी कोई निशान नहीं और होना भी नहीं चाहिए। इस बहस को या इस सवाल को आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर डैंग, आपसे शुरू करते हैं। थर्ड वेव आ सकती है, लेकिन वो इतनी सीवियर नहीं होगी जितनी फर्स्ट और सेकेंड वेव्स थी। उसका सबसे पहला कारण है कि वैक्सीनेशन काफी ज्यादा लग चुकी है। सरकार के पूरे प्रयत्न है कि वैक्सीन लगती जाएगी। दूसरी बात है कि एक ट्रायज होता है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायज जिसको कहते हैं, जिसमें है होस्ट, वायरस एंड द सराउंडिंग्स। इन तीनों में से जो जो कि वायरस है वो तो म्यूटेट करता ही जाएगा। जैसे आप सब लोग जानते हैं, हर साल हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाते हैं और हर साल उसका एक नया म्यूटेंट स्ट्रेन निकलता है। एक ये युद्ध है और हमारी रणनीति उस वायरस के अगेंस्ट है कि हमें कैसे बचना है। वायरस म्यूटेट करता जाएगा, वो एस्केप करना चाहेगा कि जिसके पास एंटीबॉडीज हैं, जो वैक्सीन है उनसे हम बचते रहें। इसलिए वैक्सीन डेवलपर्स विल हैव टू कीप ऑन मेकिंग वैक्सीन्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट दोस म्यूटेंट स्ट्रेन विच आर अकरिंग। जब जितने प्रकार के डिफरेंट स्ट्रेन हैं उनसे बच के रहना पड़ेगा। एंड देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिफोर आई फिनिश, द ट्रायज का तीसरा हिस्सा, एक वायरस था, एक होस्ट था, जो कि हम अगर केयरलेस हो गए, जैसे अभी तक चर्चा हो रही थी, तो वायरस हमारे पास हमेशा आ सकता है। तो हमें इस बात का पूरा प्रयत्न करना है कि जो भी नॉर्म्स है उनको मेंटेन करके रखें और वायरस को अपने अंदर ना घुसने डॉक्टर दें। सरीन, एक बड़ा सवाल है म्यूटेशन को लेकर। वायरस का आकार बदलना लगभग तय है, लेकिन क्या वायरस म्यूटेट होके और खतरनाक हो जाएगा जैसे डेल्टा वेरिएंट हुआ, या म्यूटेट होके और थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा कि इतना नुकसान ना पहुंचाए? क्या जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट सामने आया उसके बाद वायरस का और भी खतरनाक होना संभव है, या फिर अभी ये थोड़ा सिंप्लीफाई होता जाएगा, या फिर अभी कह पाना संभव नहीं? राहुल, पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा थर्ड वेव के बारे में, देन आई कम टू म्यूटेशन। करीब 6 महीने पहले दिल्ली में एक सीरो सर्वे हुआ, उसमें लगभग 55-60% लोगों में एंटीबॉडी थी। मेरी अपनी फीलिंग है, अब वैक्सीनेशन को मिला के प्लस एक्सपोजर को मिला के हो सकता है 70-80 इवन 90% लोगों में अब एंटीबॉडीज बन गई होंगी, एंड दिस इज गुड फॉर आवर हर्ड इम्यूनिटी। देयरफॉर वी आर समवॉट प्रोटेक्टेड। तो लोगों को ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर थर्ड वेव आ गई तो हमारा क्या होगा। वी हैव इनफ रेजिस्टेंस इन ए वे, बट दैट डज नॉट मीन वी टेक अवे आर मास। कमिंग टू म्यूटेशंस, दिस इज ए रेंडम हिट फिनोमिना। जैसे मैं हेपेटाइटिस बी पे काम करता हूँ या सी पे काम करता हूँ, तो लगता है कि भाई 10,000 बार वायरस मल्टीप्लाई करेगा, एक म्यूटेशन होगी। इसी तरीके से ये वायरस मिलियन ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करता है, तो हंड्रेड्स ऑफ म्यूटेशंस होंगी ही, और रेंडमली एक म्यूटेशन ऐसी होगी जो हमारी इम्यूनिटी को ब्रेक कर सकती है। इट कैन कम इन दिस ईयर, इट कैन कम नेक्स्ट ईयर, क्योंकि बच्चे हमारे अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। तो मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर तक ये खतरा है कि हमारे यहाँ कोई भी बच्चा बाहर गया हो, बाहर से आया हो, वैक्सीनेट नहीं हुआ हो, तो वायरल म्यूटेंट्स आ सकते हैं। तो मेरी अपनी ओपिनियन में म्यूटेशंस आर ए हाई रिस्क, दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट वायरस, एंड एनी टाइम इट कम्स इट कैन ब्रेक अवर इम्यूनिटी। देयरफॉर जब तक ये बिल्कुल एंडेमिक नहीं हो जाए, हमें म्यूटेशंस का, और हमारी सीक्वेंसिंग लैब्स बहुत अच्छी हो गई हैं, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द नेशनल सीक्वेंसिंग फैसिलिटी। तो अभी तक जो वेरिएंट आए हैं, जैसे डेल्टा प्लस था, डेल्टा के बाद में नए म्यूटेंट्स हैं, वो आ रहे हैं, बट दे आर 1% to 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। देयरफॉर वी आर नॉट वरीड अबाउट म्यूटेंट्स, बट वी हैव टू कीप अवर आईज ओपन एंड डू कीप सीक्वेंसिंग वेरी रैपिडली। एंड वी नीड ए पैन कोरोना वैक्सीन, नॉट वन और टू, नॉट अगेंस्ट डेल्टा, नॉट, वी हैव टू हैव ए डिफरेंट वैक्सीन। एंड द इंडियन डीएनए वैक्सीन और द नेजल वैक्सीन, आई थिंक दे आर गोइंग टू बी वेरी बिग इन दिस। डीएनए वैक्सीन विल कवर एवरीथिंग।